दोस्तों, अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो सीएससी पोर्टल ने अपना नया अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें आईआईबीएफ एग्जाम देना कंपलसरी कर दिया गया है। इस वीडियो के थ्रू आप आईआईबीएफ एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चंस और आंसर्स को देखिए और समझिए। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, जिससे कि अगर आप दोबारा इस वीडियो पे आना चाहेंगे तो आप उस लाइक सेक्शन लाइक वीडियो में जाएंगे तो आप इजिली हमारे वीडियो को खोज पाएंगे। क्वेश्चन वन, बैंक एक ऐसी संस्था है जिससे जमा राशियां स्वीकार करना और धन उधार देना होता है। ऑप्शन ए, समाज या जनता के सभी सदस्यों। ऑप्शन बी, समाज के मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी, समाज के समृद्ध वर्ग। ऑप्शन डी, समाज के गरीब वर्ग। ऑप्शन ए, समाज या जनता के सभी सदस्यों इज करेक्ट। क्वेश्चन टू, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। ऑप्शन ए, बैंकों को उपलब्ध अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार या फैलाव। ऑप्शन सी, सुदृढ़ बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ विलयन। ऑप्शन डी, बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और अंगीकरण। ऑप्शन बी, देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार या फैलाव इज करेक्ट। क्वेश्चन थ्री, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विविध सेवाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, एस्क्रो सेवाएं। ऑप्शन बी, सुरक्षित अभिरक्षा सेवाएं। ऑप्शन सी, न्यासधारिता और निष्पादक सेवाएं। ऑप्शन डी, स्थावर संपदा एजेंसी सेवाएं। ऑप्शन डी, स्थावर संपदा एजेंसी सेवाएं इज करेक्ट। क्वेश्चन फोर, POS का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए, पेमेंट ऑन सेल। ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन सी, पॉइंट ऑफ सेटलमेंट। ऑप्शन डी, परचेज एंड सेल। ऑप्शन बी, पॉइंट ऑफ सेल इज करेक्ट। क्वेश्चन फाइव, भारतीय स्टेट बैंक एक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, निजी क्षेत्र का बैंक। ऑप्शन बी, सहकारी बैंक। ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इज करेक्ट। क्वेश्चन सिक्स, लघु वित्त बैंकों से अपेक्षित है कि वे कम से कम 50 ऐसे ऋण प्रदान करें जिनकी रकम प्रति उधारकर्ता डैश है। ऑप्शन ए, 25 लाख रुपए से अनधिक हो। ऑप्शन बी, 30 लाख रुपए से अनधिक हो। ऑप्शन सी, 35 लाख रुपए से अनधिक हो। ऑप्शन डी, 50 लाख रुपए से अनधिक हो। ऑप्शन ए, 25 लाख रुपए से अनधिक हो इज करेक्ट। क्वेश्चन सेवन, हमारे देश में विविध प्रकार के सहकारी बैंक मौजूद हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन डी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, मियादी जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए मांग जमा, ऑप्शन बी ऋण उत्पाद, ऑप्शन सी सावधि जमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी सावधि जमा इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, बैंकिंग लाभ का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए बीमा उत्पादों पर अर्जित कमीशन, ऑप्शन बी ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज आय, ऑप्शन सी विप्रेषण सेवाओं के लिए प्रभारित शुल्क, ऑप्शन डी म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर अर्जित कमीशन। ऑप्शन बी ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज आय इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी बैंक के मूल कार्यों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए धन उधार देना और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंटों को नियुक्त करना, ऑप्शन बी जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे विधि सम्मत कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना, ऑप्शन सी कर भुगतान स्वीकार करना तथा उसे सरकार को विप्रेषित करना, ऑप्शन डी ग्राहकों की ओर से धन विप्रेषित करना और मांग ड्राफ्ट जारी करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सी जमा राशि जमाकर्ता के लिए एक वर्ष में ब्याज की अधिकतम रकम अर्जित करती है? मान लें कि जमा की रकम एक समान है। ऑप्शन ए मासिक आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा, ऑप्शन बी तिमाही आधार पर देय चक्रवृद्धि ब्याज वाली जमा, ऑप्शन सी तिमाही आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा, ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी तीनों ही जमा राशियां ब्याज की समान रकम अर्जित करती हैं। ऑप्शन ए मासिक आधार पर देय साधारण ब्याज वाली मियादी जमा इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में कौन सी कैरी सर्विस आधार मैपर का उपयोग है? ऑप्शन ए बैंक से खाता खोले जाने की स्थिति जानना, ऑप्शन बी बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना, ऑप्शन सी बैंक से खाते में शेष की जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन डी बैंक से जारी चेकों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन बी बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानना इज करेक्ट। क्वेश्चन 13, आवर्ती जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए मांग जमा, ऑप्शन बी हाइब्रिड डिपॉजिट, ऑप्शन सी फ्लेक्सी जमा, ऑप्शन डी सावधि जमा।
ऑप्शन डी सावधि जमा इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, मियादी जमा रसीदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह किसी चेक की भांति अंतरणीय होती है। ऑप्शन बी, यह एक परक्राम्य लिखत होती है। ऑप्शन सी, यह केवल उसकी देय तिथि को ही देय होती है। ऑप्शन डी, यह जारीकर्ता शाखा में ही देय होती है। ऑप्शन सी, यह केवल उसकी देय तिथि को ही देय होती है इस करेक्ट। क्वेश्चन 15, मियादी चालू खाते को और बचत खाते के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मियादी जमा, ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन सी सावधि जमा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन बी मांग जमा इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, दो वर्षों की एक सामान्य आवर्ती जमा में जमा करता। ऑप्शन ए दो वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है। ऑप्शन बी पूरी राशि शुरुआत में ही जमा करता है। ऑप्शन सी दो वर्षों के लिए एक निश्चित राशि वार्षिक आधार पर जमा करता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए दो वर्षों तक एक निश्चित राशि मासिक आधार पर जमा करता है इस करेक्ट। क्वेश्चन 17, चालू खातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्ति चालू खाते खोल सकते हैं। ऑप्शन बी बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं। ऑप्शन सी चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की जा सकती है। ऑप्शन डी चालू खाते में लेन देनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ऑप्शन बी बैंक स्वविवेक पर चालू खातों पर ब्याज अदा कर सकते हैं इस करेक्ट। क्वेश्चन 18, कोई भी बैंक अधिकतम डैश अवधि के लिए मियादी जमा राशि स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी कितने भी समय। ऑप्शन सी 10 वर्ष इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, खाता खोलने का फॉर्म जिसके आधार पर बैंक खाता खोला जाता है अनिवार्य रूप से एक डैश होता है। ऑप्शन ए ज्ञापन, ऑप्शन बी मांग, ऑप्शन सी संविदा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी मांग इज करेक्ट। क्वेश्चन 20, बैंक के ग्राहक पद में डैश का समावेश नहीं होता। ऑप्शन ए अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने वाली किसी भी व्यक्ति। ऑप्शन बी बैंक के साथ बैंकिंग लेन देन करने वाले किसी भी व्यक्ति। ऑप्शन सी बैंक के वैयक्तिक उधारकर्ता। ऑप्शन डी बैंक में जमा खाता रखने वाले किसी भी विविध संख्या कंपनी। ऑप्शन सी बैंक के वैयक्तिक उधारकर्ता। क्वेश्चन 21, केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम ग्राहक की पहचान और डैश सुनिश्चित या प्रमाणित करना होता है।
ऑप्शन ए पता, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी पेशा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस करेक्ट। क्वेश्चन 22। अपने ग्राहक को जानिए संबंधी मानदंडों पर दिशा निर्देश डैश द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक इज करेक्ट। क्वेश्चन 23। केवाईसी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए नो योर क्लाइंट्स, ऑप्शन बी कीप योर कस्टमर, ऑप्शन सी नो योर कस्टमर्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी नो योर कस्टमर इज करेक्ट। क्वेश्चन 24। धन शोधन के तीन चरणों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए नियोजन, परतबंदी या स्तरण एवं एकीकरण, ऑप्शन बी परतबंदी या स्तरण, परिमार्जन या नियोजन, ऑप्शन सी एकीकरण, परतबंदी स्तरण एवं नियोजन, ऑप्शन डी नियोजन, शोधन एवं परिमार्जन। ऑप्शन ए नियोजन, परतबंदी या स्तरण एवं एकीकरण इज करेक्ट। क्वेश्चन 25। लघु खातों के मामले में खाता डैश के आधार पर खोला जाता है। ऑप्शन ए किसी स्थानीय सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, ऑप्शन बी बैंक के किसी मौजूदा ग्राहक द्वारा परिचय, ऑप्शन सी दो स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा परिचय, ऑप्शन डी बैंक के प्राधिकृत या नामित अधिकारी की उपस्थिति में ग्राहक द्वारा स्वघोषणा। ऑप्शन डी बैंक के प्राधिकृत या नामित अधिकारी की उपस्थिति में ग्राहक द्वारा स्वघोषणा इज करेक्ट। क्वेश्चन 26। जिनके पास आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज न हो ऐसे व्यक्ति बैंकों में इस प्रकार के लघु खाते खोल सकते हैं जिनमें किसी भी समय शेष डैश से अधिक न हो। ऑप्शन ए ₹10,000, ऑप्शन बी ₹25,000, ऑप्शन सी ₹50,000, ऑप्शन डी ₹20,000। ऑप्शन सी ₹50,000। क्वेश्चन 27। केवाईसी प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आधिकारिक रूप से एक वैध दस्तावेज नहीं है? ऑप्शन ए आधार संख्या या कार्ड, ऑप्शन बी पैन, ऑप्शन सी मतदाता पहचान पत्र, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र। ऑप्शन डी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र इज करेक्ट। क्वेश्चन 28। स्वयं सहायता समूह SHG का खाता खोलने के लिए स्वयं सहायता समूह के डैश का KYC सत्यापन आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल पदाधिकारियों, ऑप्शन बी सभी सदस्यों, ऑप्शन सी कम से कम आधे सदस्यों, ऑप्शन डी सभी पदाधिकारियों और कम से कम एक तिहाई शेष सदस्यों।
ऑप्शन ए केवल पदाधिकारियों इज करेक्ट। क्वेश्चन 29, ब्याज दर डैश के रूप में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए मूलधन के प्रतिशत, ऑप्शन बी एक वर्ष के लिए मूलधन के प्रतिशत, ऑप्शन सी एक वर्ष के लिए राशि, ऑप्शन डी मूलधन पर राशि। ऑप्शन ए मूलधन के प्रतिशत इज करेक्ट। क्वेश्चन 30, बैंक ए ने 1/4/2020 को 25,000 रुपए की राशि मंजूर और संवितरित की व तिमाही आधार पर खाते पर 9% ब्याज प्रभारित करता है। 30/6/2020 को खाते में प्रभारित की जाने वाली ब्याज की राशि डैश होगी। ऑप्शन ए 2,250 रुपए, ऑप्शन बी 600 रुपए, ऑप्शन सी 563 रुपए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए 2,250 रुपए इज करेक्ट। क्वेश्चन 31, किसी बैंक के लिए ऋण एवं अग्रिम डैश होती है। ऑप्शन ए अस्थियां, ऑप्शन बी देयताएं, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी व्यय। ऑप्शन बी देयताएं इज करेक्ट। क्वेश्चन 32, ग्राहक शिकायत के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन ए स्टाफ का व्यवहार और रवैया, ऑप्शन बी अनुचित तकनीक का उपयोग, ऑप्शन सी उच्च बैंक शुल्क और ब्याज, ऑप्शन डी अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। ऑप्शन ए स्टाफ का व्यवहार और रवैया इज करेक्ट। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के लिए पात्र नहीं है। ऑप्शन ए मौखिक या अलिखित पट्टेदार, ऑप्शन बी काश्तकार, ऑप्शन सी कारपोरेट किसान, ऑप्शन डी बंटाईदार। ऑप्शन सी कॉर्पोरेट किसान इज करेक्ट। क्वेश्चन 34, कृषक क्लब डैश द्वारा गठित बुनियादी स्तर वाली अनौपचारिक मंच होते हैं। ऑप्शन ए जिला स्तर के प्राधिकारियों, ऑप्शन बी क्षेत्र के समृद्ध कृषकों, ऑप्शन सी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं, ऑप्शन डी कारोबार संपर्कियों। ऑप्शन सी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं इज करेक्ट। क्वेश्चन 35, किसी ग्राहक शिकायत के समाधान के लिए पहली आवश्यकता डैश है। ऑप्शन ए ग्राहक को खुश करना, ऑप्शन बी शिकायत को समझना, ऑप्शन सी नियंत्रण प्राधिकारी को शिकायत रिपोर्ट करना, ऑप्शन डी ग्राहक के साथ बातचीत करना। ऑप्शन बी शिकायत को समझना इज करेक्ट। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस मामले में बैंक की कार्रवाई उचित थी। ऑप्शन ए श्री ए चाय की एक दुकान के पास अपने दोस्त श्री जेट के साथ श्री वाई से मिलते हैं और खाते में शेष जानना चाहते हैं। ऑप्शन बी
श्री ए टेलर एक बचत खाता धारक श्री एक्स की पत्नी श्रीमती वाई को श्री एक्स के खाते में शेष बताते हैं। ऑप्शन सी, बैंक ए प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त एक नोटिस के जवाब में मेसर्स एक्स वाई जेड के खाते का विवरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी, श्री ए टेलर कंपनी के एक चपरासी श्री एक्स को कंपनी के खाते में शेष बताते हैं। ऑप्शन ए, श्री ए चाय की एक दुकान के पास अपने दोस्त श्री जेड के साथ श्री वाई से मिलते हैं और खाते में शेष जानना चाहते हैं, इस करेक्ट। क्वेश्चन 37, ग्राहकों का वित्तीय शिक्षण बैंकों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि इसकी परिणति डैश में होती है। ऑप्शन ए, ग्राहकों में आस्ती और देयता दोनों उत्पादों की बेहतर समझ। ऑप्शन बी, ग्राहकों में बैंकों के समक्ष आने वाली बाधाओं की बेहतर अनुभूति। ऑप्शन सी, ग्राहकों में आस्ती उत्पादों की बेहतर समझ। ऑप्शन डी, ग्राहकों में जोखिमों की बेहतर समझ। ऑप्शन ए, ग्राहकों में आस्ती और देयता दोनों उत्पादों की बेहतर समझ, इस करेक्ट। क्वेश्चन 38, चार्ज कार्ड डैश के समान होता है। ऑप्शन ए, मूल्य संचित कार्ड। ऑप्शन बी, प्रीपेड कार्ड। ऑप्शन सी, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन डी, डेबिट कार्ड। ऑप्शन सी, क्रेडिट कार्ड, इज करेक्ट। क्वेश्चन 39, कारोबार संपर्कियों के पास मौजूद सूक्ष्म एटीएम निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देनों में सहायता करता है। ऑप्शन ए, जमा आहरण निधि अंतरण और शेष की जानकारी। ऑप्शन बी, जमा निधि अंतरण लॉकरों और शेष की जानकारी। ऑप्शन सी, जमा आहरण निधि अंतरण और ऋण की जानकारी। ऑप्शन डी, जमा उधार देना निधि अंतरण और शेष की जानकारी। ऑप्शन ए, जमा आहरण निधि अंतरण और शेष की जानकारी, इस करेक्ट। क्वेश्चन 40, बैंक के एक मानक संपत्ति को एक संपत्ति के लिए परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नेम। ऑप्शन बी, एक संदिग्ध संपत्ति। ऑप्शन सी, एक हानि संपत्ति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी। ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं, इस करेक्ट। क्वेश्चन 41, एटीएम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टाइम मनी। ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी, एनी टेलर मनी। ऑप्शन डी, ऑल टेलर मशीन। ऑप्शन बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इज करेक्ट। क्वेश्चन 42, एटीएम जहां कोई अन्य पार्टी एटीएम मशीन का मालिक है और किराए आदि के भुगतान सहित एटीएम मशीन का संचालन करती है तथा एक बैंक नेटवर्क प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी और नगदी प्रवाह करता है, उसे डैश एटीएम कहा जाता है। ऑप्शन ए, किराए पर। ऑप्शन बी, आउटसोर्स। ऑप्शन सी, ब्राउन लेबल। ऑप्शन डी, श्वेत लेबल। ऑप्शन बी, आउटसोर्स, इज करेक्ट। क्वेश्चन 43,
यदि कोई ग्राहक नाराज हो तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका डैश है ऑप्शन ए, उसे खुश करने के लिए मुफ्त की पेशकश करना, ऑप्शन बी, उससे उदारता पूर्व माफी मांगना, ऑप्शन सी, उसे विनम्रता और अनुमोदन के साथ शांत करना, ऑप्शन डी, उसे यह बताना है कि सबसे अच्छी कार्रवाई की गई थी। ऑप्शन सी, उसे विनम्रता और अनुमोदन के साथ शांत करना इज करेक्ट। क्वेश्चन 44, कभी भी कहीं भी बैंकिंग निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी से संबंध है? ऑप्शन ए, विदेशी बैंकिंग नेटवर्क, ऑप्शन बी, निजी बैंकिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी, प्रणाली बैंकिंग स्थान, ऑप्शन डी, कोर बैंकिंग समाधान। ऑप्शन डी, कोर बैंकिंग समाधान इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, एक हैंडहेल्ड डिवाइस आमतौर पर डैश ग्राहकों के फिंगरप्रिंट भंडारित कर सकता है। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 300। ऑप्शन बी 100 इज करेक्ट। क्वेश्चन 46, ग्राहक सेवा केंद्र डैश ऑप्शन ए बैंक द्वारा बैंक के एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं और कारोबार प्रतिनिधि के अधीन काम करते हैं। ऑप्शन बी, बैंक द्वारा कारोबार प्रतिनिधि के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, कारोबार प्रतिनिधि द्वारा बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किए जाते हैं। ऑप्शन डी, कारोबार प्रतिनिधि द्वारा अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन बी, बैंक द्वारा कारोबार प्रतिनिधि के एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किए जाते हैं इस करेक्ट। क्वेश्चन 47, PMJDY के अधीन प्रदान की जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए 12 माह, ऑप्शन बी 24 माह, ऑप्शन सी 36 माह, ऑप्शन डी 48 यानी 48 माह। ऑप्शन सी 36 माह इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, SSA का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए सर्विस सब एरिया, ऑप्शन बी सब सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन सी सर्विस सब अथॉरिटी, ऑप्शन डी सब सर्विस एरिया। ऑप्शन डी सब सर्विस एरिया इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी बैंक के मूल्य कार्यों का वर्णन करता है? ऑप्शन ए धन उधार देना और उसे वसूल करने के लिए वसूली एजेंटों को नियुक्त करना, ऑप्शन बी जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना, ऑप्शन सी कर भुगतान स्वीकार करना तथा उसे सरकार को विप्रेषित करना, ऑप्शन डी ग्राहक की ओर से धन विप्रेषित करना और मांग ड्राफ्ट जारी करना। ऑप्शन बी जमा राशियों के रूप में धन स्वीकार करना और उसे कारोबारी उद्देश्यों के लिए उधार देना इस करेक्ट। क्वेश्चन 50, तत्कालिक भुगतान सेवा डैश उपलब्ध है ऑप्शन ए सभी कार्य दिवसों को 24 घंटों के लिए,
ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी रविवार को छोड़कर 24 घंटों के लिए, ऑप्शन डी सभी कार्य दिवसों को 12 घंटे के लिए। ऑप्शन बी हमेशा इज करेक्ट। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकों में बचत बैंक जमा खातों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए जमा करने की सुविधा, ऑप्शन बी जरूरत पड़ने पर आरण की सहूलियत, ऑप्शन सी नामांकन सुविधा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इज करेक्ट। क्वेश्चन 52, चालू खाते और बचत खाते डैश के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन ए मियादी जमा, ऑप्शन बी मांग जमा, ऑप्शन सी सावधि जमा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी मांग जमा इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान सामान्यतः उसके डेस्क से की जाती है। ऑप्शन ए बैंक के पास रिकॉर्ड में हस्ताक्षर, ऑप्शन बी फोटो, ऑप्शन सी लिखावट, ऑप्शन डी आवाज। ऑप्शन ए बैंक के पास रिकॉर्ड में हस्ताक्षर इज करेक्ट। क्वेश्चन 54, आपके ग्राहक ने तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज जो में पुनर्निवेशित किया जाता है के साथ 7% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए ₹50,000 जमा किए हैं। इस जमा की परिपक्वता राशि डैश है। ऑप्शन ए ₹57,000, ऑप्शन बी ₹57,444, ऑप्शन सी ₹57,490, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन ए ₹57,000 इज करेक्ट। क्वेश्चन 55, बीमा की प्राथमिक श्रेणियां डैश और डैश है। ऑप्शन ए जीवन और गैर जीवन, ऑप्शन बी जीवन और वाहन, ऑप्शन सी जीवन और स्वास्थ्य, ऑप्शन डी गृह और वाहन। ऑप्शन सी जीवन और स्वास्थ्य इज करेक्ट। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है? ऑप्शन ए बैंकों को उपलब्ध अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी देश के दूर दराज वाले स्थानों तथा बैंकिंग का प्रसार या फैलाव, ऑप्शन सी सुदृढ़ बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ विलयन, ऑप्शन डी बैंकिंग में प्रौद्योगिकी की बढ़ते उपयोग और अंगीकरण। ऑप्शन बी देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार या फैलाव इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 57, भुगतान बैंक डैश सकता है। ऑप्शन ए जमा राशियां स्वीकार नहीं कर सकता, ऑप्शन बी केवल बचत बैंक खाते में जमा राशियां स्वीकार कर, ऑप्शन सी केवल बचत बैंक खाते और चालू खाते में जमा राशियां स्वीकार कर सकना, ऑप्शन डी किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक ₹1,00,000 से अनधिक की जमा राशियां स्वीकार कर। ऑप्शन डी किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक ₹1,00,000 से अनधिक की जमा राशियां स्वीकार कर इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 58, जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता न हो ग्राहक को
कि अवधि के भीतर वर्तमान पते सहित आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 माह। ऑप्शन डी 1 माह इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 59, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लाख रुपए के फसल ऋण के लिए प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति होती है। ऑप्शन ए अन्य पक्ष गारंटी, ऑप्शन बी भूमि का बंधक, ऑप्शन सी फसलों का दृष्टि बंधक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी एक साथ। ऑप्शन बी भूमि का बंधक इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 60, बैंक स्टाफ द्वारा अपने उधारकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समर्थनकारी उपाय करने की उपेक्षा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए प्रसंस्करण एजेंसियों के साथ तालमेल सुगम बनाना, ऑप्शन बी उनके उत्पादों के विपणन के लिए बेहतरीन तरीके के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना, ऑप्शन सी निजी स्रोतों से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी निविष्टियों की आपूर्ति के लिए उपयुक्त एजेंसियों के साथ संपर्क करना। ऑप्शन सी निजी स्रोतों से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 61, सूक्ष्म वित्त को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। ऑप्शन ए निर्धनों या गरीबों, ऑप्शन बी केवल किसानों, ऑप्शन सी केवल सामाजिक रूप से अपवर्जित लोगों, ऑप्शन डी केवल कृषि मजदूरों। ऑप्शन ए निर्धनों या गरीबों इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 62, बीपीएल का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए बनाना प्लांटेशन लोन, ऑप्शन बी बैंक प्लान फॉर लैंडिंग, ऑप्शन सी बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन डी बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन डी बिलो पॉवर्टी लाइन इज करेक्ट। क्वेश्चन 63, पीएमजेडीवाई के अधीन खाता धारकों को उपलब्ध होने वाली जीवन बीमा सुरक्षा की रकम कितनी है। ऑप्शन ए 1,00,000 रुपए, ऑप्शन बी 80,000 रुपए, ऑप्शन सी 50,000 रुपए, ऑप्शन डी 30,000 रुपए। ऑप्शन ए 1,00,000 रुपए इज करेक्ट। क्वेश्चन 64, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा सुरक्षा सदस्य के डैश की आयु तक पहुंचने पर समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी 75 वर्ष। ऑप्शन सी 70 वर्ष इज करेक्ट। क्वेश्चन 65, देश में पीएमजेडीवाई की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2012। ऑप्शन सी 2014 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 66, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा डैश है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 60 वर्ष।
ऑप्शन सी 65 वर्ष इज करेक्ट। क्वेश्चन 67, डेबिट कार्ड डैश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, एटीएम से नकदी निकालने। दूसरा, बिक्री केंद्र डिवाइस के माध्यम से व्यापारी को भुगतान करने। तीसरा, ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करने। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सही। ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 सही इज करेक्ट। क्वेश्चन 68, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए। ऑप्शन ए, यह सुरक्षित है। ऑप्शन बी, चोरी का कोई खतरा नहीं। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 69, IMPS का उपयोग करते हुए मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से विप्रेषण करने के लिए विप्रेषक को डैश प्राप्त करना होता है। ऑप्शन ए, मोबाइल मनी पहचानकर्ता और मोबाइल बैंकिंग पिन। ऑप्शन बी, केवल मोबाइल मनी पहचानकर्ता। ऑप्शन सी, केवल मोबाइल बैंकिंग पिन। ऑप्शन डी, केवल विशिष्ट ग्राहक पहचानकर्ता। ऑप्शन बी, केवल मोबाइल मनी पहचानकर्ता इज करेक्ट। क्वेश्चन 70, तुरंत भुगतान सेवा के जरिए अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। पहला, मोबाइल बैंकिंग। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग। तीसरा, एटीएम। और चौथा, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही। ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3 और 4 सही। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही। क्वेश्चन 71, सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से डैश ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए, उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर। ऑप्शन बी, उनके साथ बेहतर सौहार्द बनाकर। ऑप्शन सी, उन्हें उदार आतिथ्य प्रदान करके। ऑप्शन डी, उन उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर इस करेक्ट। क्वेश्चन 72, भुगतान और निपटान प्रणालियों डैश के पर्यवेक्षण के अधीन है। ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन सी, भारतीय समाशोधन निगम। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक इज करेक्ट। क्वेश्चन 73, औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा असुविधा प्राप्त निम्न आय समूहों को वित्तीय सेवाओं की सपुर्दगी डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, प्राथमिकता प्राप्त बैंकिंग। ऑप्शन बी, सामाजिक बैंकिंग। ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। ऑप्शन डी, वित्तीय समावेशन। ऑप्शन डी, वित्तीय समावेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन 74, PMJDY के अधीन खाता खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम शेष रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए, कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया है।
ऑप्शन बी 5 रुपए, ऑप्शन सी 10 रुपए, ऑप्शन डी 100 रुपए। ऑप्शन ए, कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं किया गया है, इस करेक्ट। क्वेश्चन 75, रुपए डेबिट कार्ड के उपयोग के लिए आवश्यक पिन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल आइडेंटिटी नंबर, ऑप्शन बी पीपल आइडेंटिटी न्यूमरल, ऑप्शन सी पर्सनल आइडिया नंबर, ऑप्शन डी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन डी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन 76, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा योजना में सहभागी बैंक डैश होते हैं। ऑप्शन ए प्रशासक, ऑप्शन बी मास्टर पॉलिसी धारक, ऑप्शन सी प्रधान पॉलिसी धारक, ऑप्शन डी बीमाकर्ता। ऑप्शन बी मास्टर पॉलिसी धारक इज करेक्ट। क्वेश्चन 77, यदि पीएमजेडीवाई खाता धारक चेक बुक प्राप्त करने का इच्छुक हो तो उसे, ऑप्शन ए बैंक के न्यूनतम शेष मानदंड यदि कोई हो को पूरा करना होगा, ऑप्शन बी बैंक की न्यूनतम शेष आवश्यकता को पूरा नहीं करना होगा, ऑप्शन सी पीएमजेडीवाई खाते को बचत बैंक खाते में बदलवाना होगा, ऑप्शन डी चेकबुक नहीं मिल सकती क्योंकि पीएमजेडीवाई खाते में इसका प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी चेकबुक नहीं मिल सकती क्योंकि पीएमजेडीवाई खाते में इसका प्रावधान नहीं है, इस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 78, पीएमजेडीवाई के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा खाता खोले जाने का पात्र है? ऑप्शन ए निरक्षर व्यक्तियों के नाम पर खाते, ऑप्शन बी संयुक्त खाते, ऑप्शन सी व्यक्तिगत खाते, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 79, डीबीटीएल के अधीन आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए बैंक खाता, ऑप्शन बी पैन संख्या, ऑप्शन सी राशन कार्ड, ऑप्शन डी टेलीफोन बिल। ऑप्शन ए बैंक खाता इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 80, कारोबार सुसाधकों के लिए क्या करें कृत्यों में डैश शामिल है? ऑप्शन वन ग्राहक से संबंधित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना, टू स्थानीय राजनीति में शामिल न होना, थ्री जातिग्रह पूर्वग्रह। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी केवल एक और दो सही है, ऑप्शन डी केवल तीन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 81, ग्रामीण ऋण के संबंध में कारोबार सुलभकर्ता या प्रतिनिधि अन्य बातों के साथ साथ डैश ए ऋण निर्णयों को समर्थ या सक्षम करने के लिए ग्राहक की प्रोफाइल के लिए जानकारी एकत्र करता है, ऑप्शन बी केवाईसी या एएमएल के परिप्रेक्ष्य से ग्राहक को स्वीकार करने पर निर्णय लेता है, ऑप्शन सी ऋण आवेदन पर ऋण निर्णय लेता है, ऑप्शन डी उधारकर्ता के चूक करने पर ऋण वापस मांगता है।
ऑप्शन ए, ऋण निर्णयों को समर्थ या सक्षम करने के लिए ग्राहक की प्रोफाइल के लिए जानकारी एकत्र करता है, इस करेक्ट। क्वेश्चन 82, लेन देन के प्रकार के आधार पर बैंक और ग्राहक के बीच कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य के परिणाम स्वरूप बैंकर ग्राहक का संबंध नहीं बनता। ऑप्शन ए, माल को बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में रखना। ऑप्शन बी, बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को धन विप्रेषित करना। ऑप्शन सी, बैंक से उधार लेना। ऑप्शन डी, बैंक के कारोबार संपर्की के रूप में उसके लिए काम करना। ऑप्शन बी, बैंक के माध्यम से रिश्तेदारों को धन विप्रेषित करना, इस करेक्ट। क्वेश्चन 83, वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार कारोबार प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जा सकने हैं। पहला, धन प्रबंधन पर सलाह। दूसरा, ऋण परामर्श। तीसरा, ऋण आवेदनों का मूल्यांकन और मंजूरी। चौथा, सूक्ष्म बीमे की बिक्री। ऑप्शन है ए, केवल 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन डी, केवल 1, 2, 3 और 4 सही। क्वेश्चन है, केवल 1, 2 और 4 सही, इस करेक्ट। क्वेश्चन 84, पीएमजेडीवाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, बैंक खाता बैंक शाखा परिसर से बाहर खोला जा सकता है। ऑप्शन बी, बैंक खाता केवल एकल नाम पर खोला जा सकता है। ऑप्शन सी, बैंक खाता केवल न्यूनतम जमा के साथ खोला जा सकता है। ऑप्शन डी, बैंक खाता केवल निर्धारित दिनों को खोला जा सकता है। ऑप्शन सी, बैंक खाता केवल न्यूनतम जमा के साथ खोला जा सकता है, इस करेक्ट। क्वेश्चन 85, किसी ग्राहक को बैंकिंग पहलू समझाने का सबसे अच्छा तरीका डैश है। ऑप्शन ए, इसके बारे में सरल तरीके से बताना। ऑप्शन बी, इसे विनियामक तरीके से वर्णित करना। ऑप्शन सी, इसे उत्पाद मैनुअल में दिए गए रूप में वर्णित करना। ऑप्शन डी, इसे तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों में वर्णित करना। ऑप्शन ए, इसके बारे में सरल तरीके से बताना, इस करेक्ट। क्वेश्चन 86, एनएफसी मोबाइल कॉन्टैक्ट लेस कार्ड डिवाइस के मामले में जमा लेन देन ग्राहक के खाते और कारोबार प्रतिनिधि के खाते के बीच डैश आधार पर निपटाए जाते हैं। ऑप्शन ए, मासिक। ऑप्शन बी, दैनिक। ऑप्शन सी, तत्काल। ऑप्शन डी, साप्ताहिक। ऑप्शन सी, तत्काल, इस करेक्ट। क्वेश्चन 87, जब कोई ग्राहक डेबिट कार्ड को कॉन्टैक्ट कार्ड युक्त हैंडहेल्ड डिवाइस पर स्वाइप करता है तो। ऑप्शन ए, डिवाइस ग्राहक का विवरण बतलाता है। ऑप्शन बी, डिवाइस स्क्रीन ग्राहक का विवरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी, ग्राहक का विवरण एजेंट के मोबाइल पर फ्लैश किया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, डिवाइस स्क्रीन ग्राहक का विवरण प्रदर्शित करता है, इस करेक्ट। क्वेश्चन 88, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में कारोबार प्रतिविधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, ग्राहक मित्र। ऑप्शन बी, जनधन मित्र। ऑप्शन सी, बैंक मित्र। ऑप्शन डी, बैंक प्रतिनिधि।
ऑप्शन सी बैंक मित्र इज करेक्ट। क्वेश्चन 89, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक आंख की हानि के मामले में उपलब्ध बीमा सुरक्षा डैश है। ऑप्शन ए 50,000 रुपए, ऑप्शन बी 5,00,000 रुपए, ऑप्शन सी 2,00,000 रुपए, ऑप्शन डी 1,00,000 रुपए। ऑप्शन डी 1,00,000 रुपए इज करेक्ट। क्वेश्चन 90, ग्राहकों के लिए नकदी रहित खरीदियों को सुगम बनाने के लिए कारोबार संपर्क की केंद्रों पर मौजूद उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बायोमेट्रिक, ऑप्शन बी POS मशीन, ऑप्शन सी ATM, ऑप्शन डी कियोस्क। ऑप्शन बी POS मशीन इज करेक्ट। क्वेश्चन 91, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डैश को उपलब्ध है। ऑप्शन ए बैंक के सभी जमाकर्ताओं, ऑप्शन बी केवल ऐसे जमाकर्ताओं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन खाते खोल रखे हैं, ऑप्शन सी केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों, ऑप्शन डी 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्तियों। ऑप्शन डी 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्तियों इस करेक्ट। क्वेश्चन 92, DBTL के अधीन लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ टोकन, ऑप्शन बी LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ऑप्शन सी LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष बिल अंतरण, ऑप्शन डी LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष बिल टोकन। ऑप्शन बी LPG आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इज करेक्ट। क्वेश्चन 93, अनिवासी भारतीय या NRI लोक भविष्य निधि खाता यानी PPF डैश सकता है? ऑप्शन ए नहीं खोल सकता, ऑप्शन बी खोल सकता है, ऑप्शन सी खोल सकता है बशर्ते खाते में जमा विदेशी मुद्रा में किया गया हो, ऑप्शन डी खोल सकता है लेकिन उसे SB ब्याज दर मिलेगी। ऑप्शन ए नहीं खोल सकता इस करेक्ट। क्वेश्चन 94, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है? ऑप्शन ए सक्रिय रूप से सुने और दोहराव वाले प्रश्नों से बचें, ऑप्शन बी समस्या के समाधान में दक्ष बने, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठों को शामिल करें, ऑप्शन सी ग्राहक के साथ बहस से बचें, धैर्य बनाए रखें, ऑप्शन डी बैंक की नीतियां केवल दिशा निर्देश हैं, ग्राहक की सेवा करने के लिए आप उनकी अनदेखी कर सकते हैं। ऑप्शन बी समस्या के समाधान में दक्ष बने, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठों को शामिल करें। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है? ऑप्शन ए शेष पूछताछ, ऑप्शन बी लेन देन अलर्ट, ऑप्शन सी DTH रिचार्ज, ऑप्शन डी लघु विवरण। ऑप्शन डी सी DTH रिचार्ज इज करेक्ट। क्वेश्चन 96, नाबार्ड ने 1982 में ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए VVV कार्यक्रम शुरू किया है, VVV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए विकास वाहिनी विद्या, ऑप्शन बी विकास वॉलंटियर वाहिनी, ऑप्शन सी वॉलंटियर व्हीकल फॉर वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
ऑप्शन बी विकास वॉलंटियर वाइनी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 97, हमें अपनी बचतों को बैंक में सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि डैश, ऑप्शन ए यह सुरक्षित है, ऑप्शन बी ब्याज मिलता है, ऑप्शन सी किसी भी समय निकाला जा सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 98, बैंक इनमें से लोन नहीं देता है, ऑप्शन ए सोने के आभूषण, ऑप्शन बी LIC पॉलिसी, ऑप्शन सी लॉटरी टिकट, ऑप्शन डी NSC। ऑप्शन सी लॉटरी टिकट इज करेक्ट। क्वेश्चन 99, ATM पासवर्ड शेयर करना चाहिए, ऑप्शन ए जीवन साथी, ऑप्शन बी आज्ञाकारी पुत्र, ऑप्शन सी आज्ञाकारी पुत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इज करेक्ट। क्वेश्चन 100, जीवन बीमा का अर्थ है, ऑप्शन ए मनुष्य का बीमा, ऑप्शन बी मनुष्य और मवेशियों का जीवन बीमा, ऑप्शन सी मशीनों का जीवन बीमा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए मनुष्य का बीमा इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।